एकनाथ शिंदे की बगावत पर ये क्या बोल गए आदित्य ठाकरे, जिससे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली की राजनीति में मची हलचल। महाराष्ट्र में शिवसेना में हुई फूट और एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद देश की राजनीति में हलचल मच गई थी। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के विधायक और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे का एक बयान फिर से महाराष्ट्र की राजनीति को गर्मा देने वाला है। महाराष्ट्र ही नहीं, आदित्य ठाकरे के इस दावे के बाद दिल्ली में भी हलचल मचनी पक्की है, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने दावा ही ऐसा किया है। दरअसल आदित्य ठाकरे ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे मातोश्री पर आकर रोए थे। आदित्य ठाकरे के दावों की माने तो एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा था कि बीजेपी के साथ नहीं गए तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर व्यक्तिगत तौर पर हमला किया है। दरअसल हैदराबाद के अपने एक दिवसीय दौरे में गीतम विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में छात्रों से संवाद करते हुए आदित्य ठाकरे ने ये बड़ा बयान देते हुए बताया। शिंदे काफी डरे हुए थे। उन्होंने कहा था कि अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, और ये सब करके ही बीजेपी ने डराकर हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया है। इसके साथ साथ आदित्य ठाकरे ने कहा, शिंदे और उनके साथी विधानसभा में हमें देखकर डरते हैं और नजर भी नहीं मिला पाते हैं। साथ ही आदित्य ठाकरे ने कहा, कुछ लोग तंज कसते हैं कि अगर इन लोगों को अयोग्य ठहरा दिया गया तो वो वापस आ जाएंगे। तो वहीं आदित्य ठाकरे ने जैसे शिंदे के रोने की बात कही तो पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने भी उनका समर्थन किया। साथ ही संजय राउत ने कहा, ये 100% सही बात है, क्योंकि शिंदे ने उनसे भी यही बात कही थी। आदित्य ठाकरे जी जो बोल रहे हैं ये पूरी तरह से सच है। आप जहां खड़े हो मेरे घर में, वहां भी आकर मुख्यमंत्री जी ने यही कहा था, आज के मुख्यमंत्री ने, कि मैं अब गिरफ्तार होना, मैं जेल जाना नहीं चाहता, मैं जेल जाना नहीं चाहता हूं, आप कुछ करिए, आप ये गठबंधन तोड़िए, नहीं तो मुझे, नहीं तो हमारे लोग, हम सबको, मतलब आप जेल क्यों जाना चाहते हैं, आपको जेल में क्यों डालेंगे? अगर पार्टी ने हमको सब कुछ दिया है तो पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये एक दहशत और दबाव का तंत्र चल रहा है, पूरे देश में दमन का तंत्र चल रहा है, तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की जरूरत नहीं है, और नहीं भी किया है और फिर भी हो सकता है, या अन्याय के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। फिर भी उनका कुछ कहना था कि नहीं, मुझे डर है कि मुझे जेल में डालेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी उस वक्त, और उनको जेल जाने का डर था, उसका नाम भी आपको मालूम है सबके। आदित्य ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर सीधे सीधे आरोप लगाकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग ही तरह का भूचाल लाने की कोशिश तो जरूर कर दी है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।